मिस्टर जयंत चौधरी, यू वांट टू से समथिंग? धन्यवाद सभापति जी। मैं आज आपके माध्यम से भारत सरकार द्वारा 9 फरवरी 2024 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले के संबंध में अपनी बात रखना चाहूँगा। खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया, जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूँगा। सभापति जी, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुँची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई है। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गांव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति, उनको सशक्त करने वाला फैसला। मैं अपील करता हूँ, आप भी मिस्टर जयराम रमेश, मिस्टर जयराम रमेश आप यहाँ बैठे हो, लेकिन पहले भी जयराम रमेश आपने काम किया, उनका तो आदर कर लीजिए। आप चुनाव आते जाते रहते हैं। Honorable members, one second, take your seat. First, will you take your seat? Why are you shouting like a commando? Sit down. Take your seat. Pramod ji, you have it. Honorable members. Sabhapati ji, agar meri baat dard ho rahi ho, main baat chalu. One at a time, leader of the opposition. Do you want to say? Either control your people or please say something. Shri Malika Arjun Khadge ji, either control your people or you rise and address the house. I give you two options. What? No. Now sit down. Leader of the opposition is on the floor. No. 1 minute. One second. No. Listen. Please. Everyone to Mr. Javadekar. No one will rise. No. Please. Before 1 minute only, sir. When Karpuri Thakur ji was conferred with the highest civilian order, Bharat Ratan, I looked Ramnath ji in the eyes and indicated that we are lucky to have his son here, though Karpuri Thakur did not belong to our family. Karpuri Thakur belonged to the entire nation. I respect him as much as you do, but since you were there, I gave you that opportunity. Similarly, Chaudhary Charan Singh does not belong to one family, but since his grandson is a member of the house, it's a matter of pride for us. Please. Sir, yes, Mr. Mallikarjun Khadge. Mr. Khadge. One second, Mr. Khadge, and I'll plead with you. Should we in this house make a controversy? When आप ही बात कर रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, आप बोलिए। आप ही बैठिए। Please, sir, hear the leader of the opposition in rapt attention. Rapt attention. देखिए, ये खुशी की बात है कि भारत रत्न हमारे जितने भी लीडर्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे,
और जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया और जो फार्मर्स के बहुत लीडर बड़े लीडर थे और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, नरसिंह राव जिन्होंने प्रगति लाई वो भी है इसमें, उसके बाद सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है, हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते चर्चा करते हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ, रूल बताओ, तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया। एक अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं, ये अच्छा नहीं ना। आपको डिस्क्रिशन है, दैट डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली, नॉट एज एंड व्हेन यू वांट। सो माय रिक्वेस्ट इज दैट अनलेस, नहीं तो भारत रत्न वालों को बोलिए, नहीं नहीं सुनिए, नहीं आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी इतना आई डोंट वॉन्ट टू यूज वर्ड्स, अरे सब ने क्या, अरे मैं तो बोल रहा हूँ इसीलिए मैंने आपको डोंट मेक पॉलिटिक्स। आई टोल्ड वी सैल्यूट ऑल द पीपल दोज हु हैव वर्क्ड फॉर दिस कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, वी सैल्यूट देम। लेकिन द वे हियर द डिस्कशन इज गोइंग ऑन, नाइदर यू आर फॉलोइंग द रूल्स नॉर यू हैव ब्रॉट दैट एजेंडा फॉर डिस्कशन। वी ऑल कुड हैव पार्टिसिपेटेड डिस्कशन ऑन भारत रत्न गिविंग टू द सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर एंटायर लाइफ फॉर द कंट्री। आपको एजेंडा भी नहीं है, सो मोटू उठा के बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट फेयर एंड इट इज नॉट गुड, एंड इफ यू वॉन्ट टू फॉलो यू शुड फॉलो द रूल। गो टू द एक्सट्रीम स्टेप नाउ, आई विल गो टू द एक्सट्रीम स्टेप, ठीक है, नो आई विल। हम किसान और किसान वर्ग का इतना असम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकते, हैव इट फ्रॉम मी। सर मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने नहीं, तो नहीं, देंगे। भारत गांव और किसान में बसता है, एक किसान को सम्मान मिला और हाउस इस डिसऑर्डर में आ जाए, सर कितनी बड़ी पीड़ा होती है। मुझे बोलने तो दे सर।